चाइनीज ने ये धमकी दी है पाकिस्तान को, चाइना ने खुली आम धमकी दी है। चाइना ने ये कहा कि अगर आप हमारी सिक्योरिटी का मसला हल नहीं करेंगे तो हम सामान सारा उठाकर इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। इस दुनिया में कब काया पलट जाए, कब मामला तो हालात बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान की कमजोरी देखकर अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं है। इंतहाई कमजोर हो चुकी स्टेट आपकी, लाचार, बीमार, कमजोर। जयशंकर साहब का ये दौरा, एक तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका को जवाब है बिल्कुल F-16 का पैकेज देने का अमेरिका का, उसको उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने भी तो काउंटर करना था कि व्हाट आर आर लाचार, बीमार, कमजोर और इतनी वीक हो चुकी है कि दे आर लूजिंग देयर एबिलिटी टू डिफेंड देमसेल्फ बट दे हैव लॉस्ट इट। अगर पॉलिटिशियंस देखा जाए, मोदी या फिर शहबाज शरीफ, बेटर मोदी बेटर मोदी है, शहबाज शरीफ को किसी खाते में नहीं लेने। सॉरी टू से बट उसको तो बात करने का बात नहीं करनी आती। आपको सीरियस लेना पड़ेगा पाकिस्तान को, अगर इस तरह चलाना है ये इस तरह नहीं चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि ये मुल्क बहुत ही हाईली पोलराइज्ड हो चुका है, यहाँ पर इंतिशार उरूज पर आ चुका है, इंसानी जान की कदर उसके नजरियात के ऊपर हावी है। क्या इंसानी नजरियात इंसानी जान से ज्यादा हम है? शायद, मुझे पता नहीं। ये वो कौम जो 75 साल में एक सीधी सड़क ना बना सकी पाकिस्तान के बारे में बात, जिनको आज तक अपना कचरा कैसे खपाना है उसको तरीका, उसका तरीका नहीं इनको पता, हर जगह कचरा फेंकते। जहां बूंद बूंद के पीछे तरसने वाली कौम 5 दरियाओं का डिस्को डांस सुबह शाम करती है, वो ये कहते हैं कि नजरियात इंसानी जान से ज्यादा बड़े। फिर रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज आई है चाइना की तरफ से। चाइना ने ये कहा है कि हमारे वर्कर जो पाकिस्तान में सीपैक का काम करते हैं उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाए और उनका सिक्योरिटी का लैग अभी लैग 60% है, तो आने वाले टाइम्स के अंदर 100% सिक्योरिटी देंगे तभी हम सीपैक का काम कंटिन्यू रखेंगे, अगर नहीं देंगे तो हम ये सारा सामान उठाकर भाई बोरी बिस्तरा उठाकर इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे कि हम क्या प्रोवाइड नहीं कर रहे सिक्योरिटी? और जो अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ था कराची के अंदर भी, बहुत सारे चाइनीज को मारा गया, उसके बाद बहुत सारे शुमाली इलाके के अंदर भी जो जितना भी काम कर रहे हैं वहां पर भी चाइनी को मारा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजूहत है चाइनीज को मारने के पीछे? ये पाकिस्तान की अपनी पाकिस्तान खुद कर रहा है या बाहर की किसी की साजिश है? वेल, अगर देखा जाए तो मतलब जाहिर है पाकिस्तान और बाहर का हम अगर देखें तो कनेक्शन कोई दूसरा नहीं है कि मतलब हम अगर एक टेक्निकली ना देखें तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई जो बाहर वाले हैं उन्हीं का दिमाग चल रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इधर कोई हर कोई पैसे के पीछे है। अगर कोई मतलब उसको खरीदता है तो जाहिर है मतलब उसका दिमाग चल रहा है। और अगर हमारे जो मतलब एक बड़ी पार्टी का लीडर है उस पर हमला हो सकता है तो मतलब चाइनीज तो फिर मतलब उधर इनको कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं है। और कराची एक ऐसा मतलब शहर है जहां पर ऐसा लगता है जैसे अभी भी मतलब वो 1960 वाली दिल्ली होती है जहां पर हर गली में क्राइम हो रहा है। तो मतलब इधर अगर देखा जाए तो बस मतलब जो ऊंचे सेक्टर के लोग हैं वो महफूज है, इधर निचले सेक्टर पे कोई मतलब इनको ना पुलिस कुछ कह सकती है, पुलिस भी मतलब वही बड़े लोगों के पीछे है। पुलिस ने कहना चाह रहे हैं कानून किसी के लिए भी इक्वल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इक्वल होना चाहता है लेकिन मतलब जो बड़े लोग हैं वो मतलब रहने नहीं देते। मतलब जब काम करने भी आए पुलिस तो मैं कहता हूँ वो तो मतलब 24 घंटे में एक मतलब जो रेपिस्ट होता है उसको पकड़ के गायब कर देती है। तो मतलब इतने इतने लोग जो होते हैं, जो मर्डरर्स होते हैं, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? बिल्कुल सही। तो चाइनीज ने ये धमकी दी है पाकिस्तान को, हमारे शहबाज शरीफ ने कोई 17 मरतबा मीटिंग बिठाने के बाद भी ये केस हल नहीं हो पाया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चाइना ने खुली आम धमकी दी है। चाइना ने ये कहा कि अगर आप हमारी सिक्योरिटी का मसला हल नहीं करेंगे तो हम सामान